हर रविवार यहाँ बैठे बैठे मैं उन दिनों को याद करती हूँ जब हम खुश थे। कितना मजा आता था। सैटरडे को मम्मी पापा और मैं तीनों लेट उठते और फिर उसके बाद बिल्डिंग के पास वाले पार्क में घूमने जाते, और फिर संडे को तो और भी मजा आता। पापा सारे घर की सफाई करते और फिर उसको बीच में छोड़ के खाना पकाने लग जाते, फिर उसको भी बीच में छोड़ के सोफे पे बैठ के पुरानी फोटोग्राफ देखने लग जाते, फिर उसको भी बीच में छोड़ के कुर्सी पर बैठकर पुरानी किताबें पढ़ने लग जाते, और फिर सारा का सारा काम अधूरा। फिर ऐसे ही एक संडे मम्मी पापा की एनिवर्सरी थी, पापा ने अपने सारे फ्रेंड्स और उनकी फैमिली को घर पे इनवाइट किया था, और फिर मम्मी से कहा कि सारा घर सजाऊंगा और सारा काम फटाक से कर दूंगा। और फिर जब पता चला कि टीवी पर क्रिकेट मैच आ रहा है, फटाक से कुर्सी पर जाकर बैठ गए और टीवी देखने लग गए। मम्मी सब देखती रही लेकिन कुछ नहीं कहा, सारा काम खुद कर लिया। पार्टी भी अच्छी रही। और फिर जब सब मेहमान चले गए, मम्मी ने पापा से पूछा, मुझे ऐसा बार बार क्यों लग रहा है कि मैं आपकी पत्नी नहीं, इस घर को संभालने वाली कोई नौकरानी हूँ। इतने में पापा कुछ बोल पाते, मम्मी ने मुझे बेडरूम में भेज दिया। फिर गेट के पीछे से मैं सब चीज सुनती रही। मैं बहुत रोई और कब आग लग गई पता ही नहीं चला। और फिर जब सुबह उठी तो पता चला कि मम्मी पापा ने अलग होने का फैसला ले लिया है, और अनोनी तो ये थी कि उन्होंने ये भी तय कर लिया था कि हफ्ते के 5 दिन मैं मम्मी के साथ और 2 दिन पापा के साथ, और इन 3 सालों में पापा रोज मुझे यहाँ छोड़ जाते और मम्मी मुझे 10 मिनट बाद आकर ले जाती, और इन 10 मिनट में मेरे मन में एक ही ख्याल आता कि अलग हुए मम्मी पापा और अकेली हो गई मैं। क्यों ऐसा क्यों?